जो सामने बैठा है, जो आपसे मुखातिब है, जो प्रत्यक्ष बैठा है, आप उससे संवाद नहीं कर रहे हैं। कई जगह आप जाइए, होटल में, रेस्टोरेंट में बैठ के देखिए, एक में से चार लोग बैठे हैं, चारों अपने फोन पे। जो प्रत्यक्ष है उससे कोई संवाद नहीं। तो एक अजीब सी विचित्र स्थिति में आज हम लोग चल रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं का, असुरों का संग्राम हुआ, जहां पे अमृत के खड़े को लेकर के छीना झपटी में चार स्थान पर अमृत की बूंदें गिरी, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग। और यहां पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है खड़ा, लेकिन कुंभ से अमृत निकलता है इसका एक सामाजिक अर्थ भी है। अनादिकाल से पूरे देश के धर्माचार्य, शंकराचार्य, अखाड़े, संत, महंत, महात्मा और राजा महाराजा, ये सब लोग आकर के यहाँ कल्पवास करते हैं, प्रवास करते हैं। उस समय की जो उनकी समस्याएं हैं उस पर धर्म संसद में चर्चा होती है। अपने अपने राज्यों के कुशल क्षेम के लिए संतों की देशना, उनका अनुशासन,